हाँ बिल्कुल, आज से हमारा मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। जैसे बंगाल में हम गए, हम यूपी और उत्तराखंड में भी इसकी बखियों उधेड़ देंगे। क्या किस तरीके से प्लान है आपकी रणनीति, क्योंकि भाजपा भी लगातार अपना प्लान बना रही है वहाँ पर तमाम तरीके से? हमने कुछ तय किया है कि हम हर डिवीजन लेवल पे जितनी डिवीजन हैं यूपी में एक बड़ी रैली करेंगे, और उसके बाद 5 सितंबर को सारे देश नेशनल लेवल की एक रैली मुजफ्फरनगर में करेंगे, जिसमें सारे देश से किसान शामिल होंगे। सर, महिला यहाँ संसद चला, लेकिन एक महिला बोलती है मवाली किसानों को, किस तरीके से लगता है? मैंने पहले भी कहा कि वो उसके पास पैसा होगा, उसके पास सुख साधन होंगे, उसके पास ताकत है, वो हवाई जहाज़ों में उड़ती है, उससे उसका दिमाग भी उड़ने लगा है। ये जो वो खाती पीती है, वो मवाली का पैदा किया हुआ खाती पीती है, तो अगर उसके अंदर ज़मीर नाम की चीज़ है, इखलाक कोई है, तो मैं कहता हूँ उसको ये किसान का पैदा किया हुआ खाना छोड़ देना चाहिए। कोई इखलाक इजाज़त नहीं देता, वरना वो खुद बद इखलाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो एक ऐसा मानस बना दिया जैसे हम खलनायक हों और सरकार को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हो, तो उसको जाके बताना पड़ेगा किसान को, जो गुमराह हो रखा उसको एक्सपोज करके सामने ले आएंगे। देखिए, मैं तो ये आंदोलन की प्राप्ति मानता हूँ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर में आए, संसद लोग पार्लियामेंट में संसद ना चलने दें, और बहुत सारे जो गायक हैं गाने लिखें गाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अपने आप में एक मटेरियल फोर्स बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसान नेता भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ किसान नेता, जो लगातार 40 किसान यूनियनों की का जो संगठन है उसके जो लीड कर रहे हैं उसको, वो नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी क्या रणनीति है आगे और किस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, राजेवाल जी भी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो आज महिला संसद चल रहा है, क्या इसकी उपलब्धि आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महिलाओं की एक भूमिका है इस देश में, वो अहम स्थान रखती हैं। अनफॉर्चुनेट पहलू ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं बातें तो करते हैं, लेकिन उनके लिए 33% रिजर्वेशन का कानून भी लाने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये आंदोलन चल रहा है, हमारे साथ ये हर लेवल पे साथ देती रही हैं महिलाएं। हमने अपने ये जो पार्लियामेंट के सेशन प्लान किए हैं उसमें 2 सेशन महिलाओं के नाम रखे हैं, और 1 सेशन हमने ऐसा अगले दिनों में करेंगे कि इसमें पंजाब और हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर, भारत सरकार से रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर और आईआरएस अफसर, आर्मी ऑफिसर्स, और वो सारे मिलके यहाँ एक दिन सेशन करेंगे। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस, वकील, एक दिन पूरा सेशन करेंगे, ताकि ये पता कर सके सरकार को कि सिर्फ सरकार को ही कानून आते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को भी नहीं कानूनों की समझ। हम सब कुछ एक्सपोज करके रख देंगे सरकार का। सरकार बेईमान है, सरकार एंटी फार्मर है, और सरकार एंटी नेशनल है, मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, बट नाउ दे आर गवर्नमेंट ऑफ द कॉरपोरेट बाय द पीपल फॉर द कॉरपोरेट। लोगों से तो वोट लिया, बाकी सब कुछ कॉरपोरेट्स के लिए है। हमें इस भारत को, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, अब हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। देश के लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है को अभी सीरियस हो, वरना ये देश टूट जाएगा। जिस ढंग से बीजेपी मोदी सरकार चल रही है, मोदी है तो मुमकिन है, इस बात में फंसे हुए हैं, इससे देश टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को सीरियसली लें और ऐसी सरकार को चलता करें। सर, क्या यूपी की रणनीति आप लोग बना रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनने में आ रहा, आप लखनऊ में करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, आज से हमारा मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। जैसे बंगाल में हम गए, हम यूपी और उत्तराखंड में भी इसकी बखियों उधेड़ देंगे। क्या किस तरीके से प्लान है आपकी रणनीति, क्योंकि भाजपा भी लगातार अपना प्लान बना रही है वहाँ पर तमाम तरीके से? हमने कुछ तय किया है कि हम हर डिवीजन लेवल पे जितनी डिवीजन हैं यूपी में एक बड़ी रैली करेंगे, और उसके बाद 5 सितंबर को सारे देश नेशनल लेवल की एक रैली मुजफ्फरनगर में करेंगे, जिसमें सारे देश से किसान शामिल होंगे। सर, महिला यहाँ संसद चला, लेकिन एक महिला बोलती है मवाली किसानों को, किस तरीके से लगता है? मैंने पहले भी कहा कि वो उसके पास पैसा होगा,
उसके पास सुख साधन होंगे, उसके पास ताकत है, वो हवाई जहाज़ों में उड़ती है, उससे उसका दिमाग भी उड़ने लगा है। ये जो वो खाती पीती है वो मवाली का पैदा किया हुआ खाती पीती है। तो अगर उसके अंदर ज़मीर नाम की चीज़ है, इखलाक कोई है, तो मैं कहता हूँ उसको ये किसान का पैदा किया हुआ खाना छोड़ देना चाहिए। कोई इखलाक इजाज़त नहीं देता, वरना वो खुद बद इखलाक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। राहुल गांधी भी सर आज ट्रैक्टर लेके निकले थे और संसद में विरोध हो रहा है काफ़ी कृषि बिल को लेकर के। बिल्कुल अच्छी बात है, हमने व्हिप जारी किया था सभी पार्टियों को कि सरकार का सेशन उस वक्त ना चलने दें जब तक किसानों के ये कानून वापस नहीं होते। सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा नहीं करती कि किसानों के आंदोलन का ये कानून वापस लेके समाधान नहीं निकालेगी, उस वक्त तक वो विरोध करें। अगर जिस भी तरीके से आते हैं वो अच्छी बात है। 15 अगस्त को भी कुछ है, आप लोग प्लान कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो होगा फिर हम बता देंगे। शुक्रिया सर। दर्शन पाल जी हमारे साथ। सर आज का जो महिलाओं का संसद चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं इसमें, किस तरीके से आप लोग? देखिए, हमारा पूरा आंदोलन के मेन 3-4 मुद्दे हैं। एक तो 3 कानून हैं जो लाए हैं, और फिर MSP है, पावर बिल 2020 है, और एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस है। तो इसको हमने बांट रखा है, आज और कल 2 दिन के लिए ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो है उसमें जो संशोधन की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बारे में चर्चा होगी और उस पर रेजोल्यूशन लिया जाएगा। कल जो आएगा उसमें भी इसी के ऊपर चर्चा होगी, और उसके बाद 2 दिन के लिए कॉरपोरेट एग्रीकल्चर के ऊपर होगी, फिर MSP के ऊपर होगी। तो ये पूरे जो इश्यूज़ हैं इसको बांट दिया गया है। तो फाइनली जब संसद ख़त्म होगा तो पूरा एक सब चीज़ों के ऊपर रेजोल्यूशन लिया। आज महिलाओं की संसद के लिए हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रखा, क्योंकि इसका एक आस्पेक्ट ये है कि एसेंशियल या होल्डिंग से कम महिलाओं का जो घर में काम करने वाला जो पार्ट है एंगल से उनको काफ़ी तकलीफ होती है, और इसका जो आस्पेक्ट पुरुषों के साथ जोड़ के पूरी फैमिली में होता है वो कल भी डिस्कस किया जाएगा। और फिर जब महिलाओं का दूसरा बार आएगा उसमें हम MSP वगैरह भी डाल देंगे, सो दैट पूरी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन से जो महिलाएं हैं उनको इक्विप भी हो सके, वो डिस्कशन भी कर सके और रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन आपके संसद पे भी सवाल उठने लगे हैं, नेता तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि ये कैसा संसद है। कैसे क्या सवाल उठे हैं बताइए ना। यही कि ये संसद जो बना लिए गए ये आप लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते, कुछ लोग हैं जो संसद में हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी देखो ये आंदोलन के लोग हैं, अब इनको वो तो जो वो उधर संसद बैठे हैं वो तो इलेक्ट होके आए हैं, ये आंदोलन से आए हुए लोग हैं। तो आंदोलन संगठनों का है, संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। जैसे एक संगठन से 3 प्रतिनिधि आए हैं, तो मैं अगर बोल रहा हूँ मेरा संगठन जो है ये कम से कम 10 जिलों में है पंजाब में, तो 10 जिलों में 3 प्रतिनिधि हैं, तो मैं तो कहूँगा कि दे आर रिप्रेजेंटिंग मोर पॉपुलेशन देन दोज पार्लियामेंटेरियंस। इस नज़रिए से इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मानना वो गलत है। एक अपने आप का ये आंदोलन करने का तरीका है। ये हम ये कहें कि यहाँ से पास किया हुआ रेजोल्यूशन कोई सचमुच में गवर्नमेंट के गजट में आ जाएगा वो तो नहीं आएगा। ये तो एक आंदोलन का एक तरीका है, प्रोपेगंडे का तरीका है, एक अपने आप में पैरेलल सिस्टम बना के वो दिखाने का तरीका। सर राहुल गांधी ने भी आज ट्रैक्टर चलाया, क्या लगता है कि ये विपक्ष उठा रहा है आप लोगों के मुद्दे को? नहीं, देखिए मैं तो ये आंदोलन की प्राप्ति मानता हूँ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर में आए, संसद लोग पार्लियामेंट में संसद ना चलने दें, और बहुत सारे जो गायक हैं गाने लिखें गाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अपने आप में एक मटेरियल फोर्स बन गया है जो हर घर में, हर किचन में, ड्राइंग रूम में चर्चा का, जिसकी चर्चा हो रही है, कम से कम गांव में तो चर्चा हो रही है। तो राहुल गांधी उसी कड़ी में एक ट्रैक्टर में आए हैं, उनको बल्कि एक मैं ये कह सकता हूँ कि विचार जो है वो एक फोर्स के रूप में हो गया जिसके मजबूर होकर उनको ट्रैक्टर में आना पड़ा। सर हमारे साथ युद्धवीर जी भी हैं। सर सर UP चुनाव को लेकर के आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, क्या लगता है कि उसमें क्या आप लोग करने वाले हैं? नहीं, यूपी चुनाव में हमारा कोई चुनाव एजेंडा नहीं है, हम तो इस सरकार का चेहरा उजागर करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो इसकी कार्य नीति है, जिस तरह से खेती को ख़त्म करने पे तुले हैं, किसान और मजदूर को मतलब उससे निकालना चाह रहे हैं,
उसके खिलाफ जो आंदोलन है, जाके लोगों के बीच में बताएंगे कि इस नीति की वजह से क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, सरकार का रवैया क्या, मतलब इनका चेहरा साफ करेंगे। नहीं सर, चेहरा तो साफ है, आप लोगों को मवाली कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि ये अभी गाँव के लोगों तक नहीं पहुँच रहा भाई। अभी आपको बताएं, आप जैसे कितने भाई हैं जो बात को रखते हैं, यहाँ जो नेशनल मीडिया में कुछ भाइयों को छोड़ के अधिकांश तो जो है हमको गालियाँ देते हैं, वो सब इनके पेड़ लोग बैठा रखे हैं और ज़्यादातर वही चलता है। टीवी खोलते हैं और टीवी में कोई हमको एंकर साहब गाली दे रहे होते हैं, कोई हमें कुछ बताते हैं, कोई कुछ ऐसे लोगों से बहस कराते हैं जो एक से एक बढ़ के किसान को गालियाँ देता। तो एक ऐसा मानस बना दिया जैसे हम खलनायक हों और सरकार को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हो, तो उसको जाके बताना पड़ेगा किसान को जो गुमराह हो रखा, उसको एक्सपोज करके सामने ले आएंगे। क्या चुनाव पे फर्क पड़ेगा जो आने वाला चुनाव 2022? तो वक्त बताएगा, निश्चित पड़ता है। नाराजगी का, मैं नाराज हूँ बीजेपी से, तो मैं फर्क तो डालूंगा ना, एक वोट का फर्क डालूंगा। सर, बंगाल में हार गई चुनाव, लेकिन भाजपा को फिर भी लग रहा है कि अभी किसानों का बिल वापस नहीं। सरकारी व्यक्ति जब तक उसका सत्यानाश नहीं होता वो मानता नहीं। आपको क्या लगता है कि मतलब कि भाजपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी अगर निश्चित तौर पे? सर, ये जो ट्रैक्टर लेकर के आज राहुल गांधी निकले थे, उसको अच्छा, उनका स्वागत है, जो हमारा समर्थन करे हम उसका स्वागत करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।